क्वेश्चन 7 था, पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3/5 का 0 प्लस 3/5 का 1 प्लस 3/5 का 2 आगे 7/5 का 2। हल 3/5 का 0 प्लस 3/5 का 1 प्लस 3/5 का 2 आगे 7/5 का 2। हम जानते हैं, हमने आपको कई पहले बता चुके हैं, किसी की ढाल 0 हो यानी 1 का 0 बराबर होना, कोई भी संख्या हो आपकी किसी का 0 हो वो हमारी 1 के बराबर होती है। तो 3/5 का 0 क्या हुई 1 प्लस 3/5 का 1 क्या हुई 3/5 प्लस 3/5 का 2 क्या हुई 3/5 का 3/5 यानी 3/5 का 2 का मतलब है 3/5 का 2 बार आगे 7/5 का 2। उसी प्रकार देखें 1 प्लस 3/5 योग 3 दिया 9 25 आगे 7/5 का 2। अब हमने 5 और 25 हमने रास्ता लिया, क्या है रास्ता 25, 1 के लिए कुछ नियम क्या हुआ 1 गुणा 25 प्लस 25 3 गुणा 5 प्लस 25 एकम 25 9 गुणा 1 7/5 भाग में था हमारा, तो इसका हम क्या भाग करते हैं तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, क्या हुआ 5/7 दिया 2। तो ये हुआ हमारा 25 एकम 25 प्लस 3/5 15 प्लस 9 एकम 9/25 गुणा ये हो गया इसकी 5 गुणा 25 7/2 49 यानी 5/7 गुणा 2 बार करेंगे तो 5/7 गुणा 5 ये हो जाएगा आगे 5/7 गुणा 5/7 क्या होगा 5/25 और 7/7 49 ये हमारा। तो क्या हुआ 49/25 गुणा 25/49 तो 49 से 49 कट गया और 25 से 25 कट गया, आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न को सॉल्व कीजिए, 2 की घात -2 -2 की घात -3 -2 की घात -2 -3 की घात -2। तो यह हमारा है 2 की घात -2 -2 की घात -3 -2 की घात -2 -3 की घात -2। हम जानते हैं कि हमने आपको लिख रखा है a का व्युत्क्रम 1/a या इसको इंग्लिश में कहें तो a का इनवर्स 1/a है, तो इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, व्युत्क्रम को इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा या इसका व्युत्क्रम हो गया हमारा 1/2 यानी 1/2 की घात 2 -1/2 -2 की घात 3 -1/2 की घात 2 -1/3 की घात 2। हमने लिखा इसको 1/2 की घात 2 हमने लिख दिया 1/2 गुणा 2 -1/-2 की घात 3 थी तो हमने लिखा -2 गुणा -2
और ये आगे आपका दो अट्ठे सोलह, आगे समय दो एक दो, दो दूनी चार, दो ने अठारह। अब देखें दो का दो एक दो, दो का नंबर नहीं आएगा, दो का दिया। अब देखें एक एक, तीन दिया नौ, और तीन एक तीन, खुलासा क्या आएगा हमारा, दो दूनी चार, दूनी छः, छः दिया अठारह, अठारह दी चौवन, तीन दिया नौ दूनी अठारह, दूनी छत्तीस, दूनी बहत्तर, दो दूनी चार, दूनी आठ, चौबीस दी बहत्तर, यानी क्या है हमारा बहत्तर। अब देखिए हम चार का भाग बहत्तर में करते हैं, चार का भाग बहत्तर में करते हैं, क्या हुआ अठारह चौ बहत्तर, एक गुना अठारह प्लस। अब आठ, आठ का भाग बहत्तर करें तो आठ में बहत्तर, एक गुना प्लस ये छत्तीस है, तो छत्तीस भाग करेंगे छत्तीस से कम, छत्तीस छत्तीस दूनी बहत्तर गुणा दो, अठारह का अठारह, नौ एक नौ, पांच दूनी दस, बट्टे बहत्तर। तो ये आगे हमारा अठारह नौ सत्ताईस प्लस के दस बट्टे बहत्तर, तो ये आ गया सत्ताईस प्लस दस कितना हो गया सैंतीस बट्टे बहत्तर, ये हमारा आंसर है।